हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशा है। मैं 6 साल की हूँ। मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी और घर के सभी सदस्यों को मिलवाऊंगी। चलिए देखते हैं, ये है मेरा घर। इसमें मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। आप भी तो अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं ना? तो चलिए अब मैं आपको अपने परिवार से मिलवाती हूँ। ये है मेरा परिवार। इसमें मेरे दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई, मैं और मेरा छोटा भाई। चलिए अब मैं आपको इनके नाम बताती हूँ, साथ साथ में आप भी अपने परिवार के सदस्यों के नाम बताते रहना। मेरे दादाजी का नाम श्री जय भगवान है और दादी जी का नाम श्रीमती राजबाला है। मेरे पिताजी का नाम श्री रमेश है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती सुनीता है। मेरे चाचा का नाम राजू है और मेरी चाची श्रीमती ललिता है। और इसके बाद ये है मेरा छोटा भाई, इसका नाम सन्नी है। आप भी अपने परिवार के सदस्यों के नाम इसी तरह से अपने माता पिता को बताइए और अपनी कॉपी में भी नोट कीजिए। मैं जब घर में होती हूँ तो मैं अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ खेलती हूँ। आप किसके साथ खेलते हैं? मेरे घर के पास एक स्कूल है और साथ में ही कई दुकानें हैं और दुकानों से आगे चल के वहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क है जिसमें बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। हम यहाँ पर शाम को घूमने जाते हैं और खेलते भी हैं। मैंने अपने घर में एक कुत्ता भी पाल रखा है, इसका नाम टॉमी है। और हमारे घर में एक गाय भी है जो कि हमें दूध देती है। दोस्तों, मैंने आपको अपने बारे में, अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में और आस पड़ोस के बारे में भी बताया है। तो आप भी इसी तरह आपस में बात करें और अपने परिवार के सदस्यों का नाम बताएं और साथ में ही चर्चा करें कि आपके आसपास क्या क्या है और कौन कौन से पशु हैं। चलिए अब एक सुंदर सी कविता गुनगुनाते हैं। मेरा घर मेरा परिवार। मेरा घर कितना अच्छा है, कुछ कच्चा कुछ पक्का है, हम सब इसमें रहते हैं, इसको अपना घर कहते हैं। चलिए दोस्तों एक बार फिर से गुनगुनाते हैं, बहुत अच्छी कविता है। मेरा घर कितना अच्छा है, कुछ कच्चा कुछ पक्का है, हम सब इसमें रहते हैं, इसको अपना घर कहते हैं।